कंडीशंस एंड वारंटीज कंडीशंस एंड वारंटीज पढ़ना है यूनिट वन हमने कंप्लीट कर रखा है यूनिट वन की रिकॉर्डिंग मैंने पहले कर रखी थी ठीक है तो चलिए आप तो कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं कंडीशंस एंड वारंटीज आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कंडीशन एंड वारंटीज दोनों के बीच में क्या फर्क है समझ में आएगा टू नो द इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज एंड टू अंडरस्टैंड द डॉक्टर ऑफ केवियर टेम्पर एंड स्टिपुलेशन एज टू टाइम ये सब हम देखेंगे कंडीशन असेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कंडीशन अगर ब्रीच होता है तो कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट हो सकता है बिकॉज इट इज एसेंशियल मेन पर्पज वॉरट्री क्या होता है को लेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने से वी कैन क्लेम फॉर डैमेजेस stipulation as to time stipulation as to time means stipulation of the conditions as to time unless a different intention appears from the terms of the contract stipulations as to time of payment are not deemed to be of essence of a contract of sale मतलब सेल ऑफ गुड्स हो रहा है पेमेंट तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुड्स फ्री में तो नहीं आते हैं ये पेमेंट स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट ये पेमेंट किस समय तक आपको कर देना है अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपियर्स तो जनरल बात क्या है

से सोचेंगे कॉमन सेंस से कॉमन सेंस से अगर अपने सोचेंगे तो मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं बहुत सारे सेलर्स और अगर मैं ये बोलूं कि भैया मैं तो गुड्स कैश में ही बेचता हूं पहले पैसा दो तो गुड्स देंगे तो ये एक भारी कंडीशन हो जाता है उसी के बगल में सिमिलर गुड्स बेच रहा कोई और है बोला भाई साहब मुझे भरोसा आपके ऊपर पैसे कहाँ जा रहे हैं भाई साहब गुड्स देखिए सैंपल देखिए ये देखिए वो देखिए पैसे तो आप घर ले जाइए पैसे मैं भेज दूंगा मेरे स्टाफ को वो ले आएगा पैसा होता है कि नहीं ऐसा क्योंकि माल बेचना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट पैसा तो ले लेंगे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप राइट right? पैसा एक महीना बाद देने से भी चलेगा गुड्स ले लीजिए ऑर्डर लिखा दीजिए तो एक नेचुरल सा टेंडेंसी क्या है कि माल बिक जाए ऑर्डर आ जाए क्रेडिट सिस्टम जो बिज़नेस में चलता है तीन महीने बाद दे दीजिएगा ये पहला ऑर्डर क्लियर कर दीजिए पहला ऑर्डर हमें मिला है दस हज़ार शर्ट का दस हज़ार शर्ट बना के मैंने दिया सब कुछ मैं कर दिया सामने वाले ने अभी तक पैसे नहीं दिए फिर भी मैं मांग भी नहीं रहा हूँ अरे पैसा बड़ा कंपनी है कहाँ जाएगा सर दस पीस का ऑर्डर हमने कम्प्लीट किया सर कैसा लगा आपको अरे नहीं बहुत अच्छे क्वालिटी बहुत अच्छी है स्टिचिंग थोड़ा सा इंप्रूव करिए हाँ हाँ सर आप चिंता मत करिए इस बार हम इम्पोर्टेड मशीन से स्टिच करने वाले सर कैसा लगा सर इस बार कम से कम पंद्रह हज़ार शर्ट का ऑर्डर दीजिएगा सर पैसा का बात नहीं हो रहा अच्छा सर सुनिए ना वो प्रीवियस ऑर्डर का देखिए ना सर कुछ पेमेंट पैम, हो जाए तो सर ये है नॉर्मल बिजनेस का रियलिटी तो अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेल में माल बिक जाए माल बिक जाए पैसा तो आएगा यार और माल भी हम लोग उसी को देते हैं जहां हम लोग को पहले से ही पता है कि इसका पेमेंट डूबने वाला नहीं है उसी पर हम लोग भरोसा करके देते और जहां अपने को लग रहा है कि नहीं 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 यहां तो भैया पैसा पहले माल बाद में भरोसा नहीं है इसका तो वहां पर डिफरेंट इंटेंशन आ जाता है पर जनरल पार्लेंस में माल बिक जाए माल मेरा सेलेक्ट हो जाए बायर को मेरा माल अच्छा लग जाए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वेदर एनी अदर स्टिपुलेशन एज टू टाइम इज ऑफ एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है भाई तो ये तो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड होता है तो टाइम का ने बात कर लिया है इसका एनालिसिस देखते हैं क्या बोल रहे हैं एज रिगार्ड्स टाइम फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेशन एज रिगार्ड दिस एज रिगार्ड दिस एज रिगार्ड दिस मतलब एज रिगार्ड टाइम फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस टाइम फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट डीम्ड टू बी एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एकदम शुरू में ही चीख चीख कर कह रहा है पेमेंट ऑफ टाइम टाइम फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट ऑफ ग्रेट एसेंस तो भैया कुछ तो ऐसा है जो ग्रेट एसेंस का है वो होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स अगर हमने माल खरीद लिया हमने पैसे दो महीने बाद देने आपको इसका ये मतलब नहीं है मेरे दोस्त कि आप डिलीवरी भी दो महीने बाद दोगे आपको डिलीवरी तुरंत का तुरंत करना है डिलीवरी इज ऑफ एसेंस डिलीवरी इज ऑफ एसेंस पैसा बाद में दिया जा सकता है डिलीवरी इज ऑफ एसेंस कुछ कुछ केसेस में जहाँ गोल्ड सिल्वर यहाँ तो भाई डेली प्राइस अप डाउन हो रहा है तो अगर सेवन डेज बाद हम डिलीवर करेंगे तो देख रहे हैं कि बहुत प्राइस में अप डाउन हो गया आज मैंने गोल्ड खरीदा है आज का जो प्राइस है वो मैं दूंगा आपको आपको मैं दो महीने बाद दूंगा कोई दिक्कत नहीं आप डिलीवरी मुझे आज के आज करेंगे तो पेमेंट जो है पेमेंट पर फ्लेक्सिबिलिटी है फ्लेक्सिबिलिटी पेमेंट पर बिजनेस पार्लेंस पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट इज देयर इन द बिजनेस पार्लेंस बट डिलीवरी डिलीवरी गुड्स का डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है गुड्स का डिलीवरी को हम डिले नहीं कर सकते बिजनेस करने बैठे हैं माल मुझे आज खरीदना है कल बेचना है राइट right? अगर आप मुझे आज डिलीवरी नहीं दे पाएंगे तो मैं किसी और से खरीदूंगा राइट बट डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड विदाउट डिले डिलीवरी हैज़ टू बी मेड विदाउट डिले ये प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए और मैं तो ये बोलता हूँ अगर नॉर्मल पार्लेंस में समझोगे बिजनेस पार्लेंस में समझोगे तो बहुत इजी है कोई बहुत नहीं समझने वाली बात नहीं है अच्छा आप डिलीवरी का एक बात बताओ जैसे पेमेंट के लिए तो स्टिपुलेशन भाई ठीक है दे दीजिएगा तो क्या डिलीवरी के लिए भी बताना पड़ेगा कॉमन सेंस नहीं है अगर टेलीविजन मैंने आज मैं गया टी खरीदा आईपीएल का मैच देखना है टी आज खरीद के आया दुकानदार को बोला ठीक है भैया पच्चीस परसेंट पैसे ले ले बाकी पैसे तेरे को मैं दे दूंगा दुकानदार बोला हाँ भाई साहब आपको तो मैं जानता हूँ कोई दिक्कत नहीं है पहले भी आपके साथ बहुत डीलिंग हुआ है पैसे आप आराम से दे दीजिएगा तो ये बात तो चलो क्लियर हो गया कि पैसे वो मेरे को आराम से मेरे से ले लेगा यार मेरी वाइफ बोली अरे आपको अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो वाइफ कह रही थी थर्टी टू इंच टेलीविजन लो मैंने भाई फोर्टी सिक्स इंचिस ले लिया या उससे भी बड़ा टेलीविज़न ले लिया पैसे ज़्यादा लग गए हैं तो मैं बोला भाई तुम चिंता मत करो पैसे मैं दे दूँगा तो चलो फोर्टी सिक्स इंचिस टेलीविज़न घर पर आ रहा है आई देखने के लिए टी वाले को मैंने बीस पेमेंट दे दिया वो बोला भाई साहब आप चिंता मत करिए आप घर जाइए मैं भिजवा दे रहा हूँ तो क्या मैं ये सोचूंगा कि नेक्स्ट डे मेरे पास उसके दुकान से किसी का फ़ोन आएगा अरे आपने पूरा पेमेंट नहीं किया इसलिए हमने टीवी नहीं भेज रहे या चलो टीवी हम अगले हफ्ते देंगे ये एक अंडरस्टूड सी बात है भैया टीवी तो हम ले लिए हैं टीवी तो आप बस मैं घर पहुंचू और आप डिलीवर कराइए भैया डिलीवरी कब करा रहा हाँ हाँ मेरा वैन जाएगा मेरा बस जाएगा मेरा लॉजिस्टिक्स टीम जाएगा कैसे ही बोल लो उसको तो डिलीवरी के लिए एक स्वाभाविक सी बात है कोई भी बायर जब भी कोई चीज खरीदता है वो एकदम उतावला हो जाता है कि यार आज मैं खरीद के लाया उसे तुरंत अगर तुरंत मिल जाए कि टेंडेंसी है क्या नहीं है बताइए पैसा आज दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं वादा जो कर दिया ना पैसा देने का वो भी काफ़ी है बट माल आज दे दे हाथ में दे दे डिलीवरी आज दे दे इसके लिए कुछ अलग से रूल बनाने का दरकार नहीं पड़ता अंडरस्टूड सी बात है कि बायर हमेशा चाहता है पैसा भले ही मैं दो महीना बाद दूँ तीन महीने बाद दूँ जैसा टर्म्स एंड कंडीशन हो इंटरेस्ट के साथ दूँ ज़्यादा पैसा दूँ वो अलग चीज़ है बट डिलीवरी मेरे को तुरंत दे दे बट डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड विदाउट डिले वेदर और नॉट सच स्टिपुलेशन मतलब सच अ कंडीशन कैसा कंडीशन किसका कंडीशन डिलीवरी का कंडीशन कि डिलीवरी बिना डिले के तुरंत मिल जाए और वेदर और नॉट सच स्टिपुलेशन इज ऑफ द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स अग्रीड अपॉन अब डिलीवरी तुरंत मिलेगा पेमेंट के बाद मिलेगा कैसे मिलेगा ये सब तो वैसे तो देखा जाए तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड होता है मगर एक आम तौर पे डिलीवरी शुड बी डन विदाउट डिले डिलीवरी पे डिले नहीं होना चाहिए प्राइस फॉर गुड्स मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी अग्रीड टू बी फिक्स्ड लेटर क्या बात है पैसों का बात तो चलो यार कर लेंगे यार देख लेंगे यार अभी कर लेते हैं यार चल बाद में कर लेंगे यार ठीक है भाई देख लेंगे ना जैसा है भाई हम लोग फिक्स कर लेंगे भाई क्योंकि देखो जो मेरा परचेज प्राइस आता है मैं कश्मीर से एप्पल ख़रीदता हूँ जी तू तो यार मेरा यार है यार तो भाई मेरा ट्रक बाय ट्रक का जो पेमेंट आता है जो मैं पैसा देता हूँ भाई मेरा तो चेक कर लियो मेरा चेक करके भाई दस परसेंट तू मेरे को ऊपर से दे दियो तो हम लोगों का बात तय है कि जो तेरा खर्चा है उसका दस परसेंट ज़्यादा पे तू मेरे को बेचेगा तो प्राइस का तो कोई मारा मतलब प्राइस को लेकर तो कोई मारा पीट है ही नहीं दिमाग में एकदम ईजी है तो प्राइस तो बाद में भी फिक्स कर लेंगे यार तेरे को कितना एप्पल चाहिए बोले यार एक्चुअली मैं दुकान जा नहीं रहा हूँ मुझे पता नहीं है पर तो तेरे को जो माल चाहिए तू तो मंगवा ले यार देख लेंगे देख कर प्राइस लगा लेंगे तो प्राइस ऑफ द गुड्स मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट या तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भाई मुझे सौ किलो एप्पल डेली चाहिए राइट अब एक एवरेज प्राइस हमने फिक्स कर लिया अस्सी रुपया किलो ये तो हो गया एक अस्सी रुपया किलो कम बेसी जो भी है एक एवरेज या हमने मे बी अग्री टू बी फिक्स लेटर प्राइस को फिक्स कर लेंगे जो तेरा परचेस प्राइस है उसका दस परसेंट ऊपर क्योंकि तू तु एप्पल पूरा फुल ट्रक मंगवा रहा है तू मंगवा रहा है दस हजार किलो भाई मेरे को तो अस्सी से सौ किलो चाहिए राइट right? तो क्योंकि जब तू दस हज़ार किलो मंगवा रहा है तो तेरा कॉस्टिंग आ रहा है फिफ्टी रुपीज़ मार्केट में अगर मैं ख़रीदने जाऊं से सौ किलो तो भाई मेरे को एट्टी रुपीज़ का मिल रहा है तू मेरा दोस्त है तू बोल रहा है कि चल मेरे को ख़रीद दाम से सिर्फ दस परसेंट मतलब मेरे को पचपन रुपया किलो में मिल जा रहा है वाह यार मज़ा आ गया तो मार्केट अगर अस्सी रुपया का है तो मैं पचपन तेरह से ख़रीद के अगर मैं सत्तर रुपये किलो में भी बेच दूँ तो भाई पंद्रह रुपया किलो मैं भी कमा लूंगा दोस्त कोई दिक्कत नहीं है तो प्राइस चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हमने साठ रुपया किलो का फिक्स प्राइस कर दिया या हमने प्राइस को फिक्स करना है लेटर कोई दिक्कत नहीं इन अ स्पेसिफिक मैनर यही मैनर जो मैंने बताया आपको कि जो भी मेरा प्राइस लग रहा है उसका दस परसेंट ऊपर मैं तेरे से ले लूंगा तो ये स्पेसिफिक मैनर हो गया एक स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ डिलीवरी आर यूजअली द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम ऑफ डिलीवरी भाई देख जो भी है मेरे को हर दिन एप्पल चाहिए एवरी डे आई नीड तो तुम जो भी कर जैसे भी कर पैसा वैसा अपने आगे पीछे कर लेंगे फिक्स कर लेंगे बट तेरे मेरे को हर दिन अस्सी किलो एप्पल देना है भाई एवरी डे तो टाइम ऑफ डिलीवरी हैज बिन मोर लेस दसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो एवरी डे थर्टी डेज एट्टी किलोज करके गया तो देख ले भाई चौबीस सौ किलो बट मेरे को डेली बेसिस पे चाहिए ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं चलो भाई अब इंट्रोडक्शन में आ गए हैं कंडीशन एंड वारंटी एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स अ सेलर यूजुअली मेक सर्टेन स्टेटमेंट्स ये तो आमतौर पे देखा गया माल बेचने वाला जो सेलर होता है बहुत कुछ कहेगा अरे मेरा माल ये मेरा माल ये बहुत कुछ बोलेगा ठीक है सर्टेन स्टेटमेंट एकदम जबरदस्त अरे पता मोदी जी को भी मेरा ये एप्पल आप, बहुत अच्छा लगा था मेरे दुकान से एप्पल का जूस पी के है जाते हैं देखो फोटो भी लगा रखा है भाई अपना माल बेचने के लिए कोई क्या क्या कहता है कुछ स्टेटमेंट कहता है कुछ रिप्रेजेंटेशन कहता है ठीक है एट द टाइम ऑफ सेलिंग विथ अ व्यू और क्यों करता है ऐसा बात विथ अ व्यू टू इंड्यूस द इंटेंडिंग बायर बायर को खुश करना है उसे इंड्यूस करना है कि वो खरीद ले मेरे से खरीद ले अरे भाई साहब मेरा क्वालिटी एकदम एक नंबर है मेरा जो एप्पल वो डायरेक्ट कश्मीर से आ रहा है मेरा चाइनीज वाला नहीं है मेरा ये नहीं है मेरा वो नहीं है टू परचेज द गुड्स कि भाई आप हमसे खरीदिए कुछ भी दिक्कत हो आपको आप पेटी का पेटी मेरे मुंह पे मार के चले जाएगा पैसा लेकर चले जाएगा भाई साहब पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई साहब क्या समझते हैं आपके बच्चे एप्पल खाए ना और आपके बच्चे एप्पल खा के बोले वाह पापा क्या एप्पल लाए हो भाई साहब जूस है इस एप्पल में बाकी एप्पल में लगेगा ना खा के देखो लगेगा ही नहीं कि कुछ खा रहे हो ये लो भाई साहब ये ए ये लो भाई साहब खा के देखो ओ भाई साहब कोई नहीं भाई साहब पैसे थोड़ी ना मांग रहा टेस्ट तो करके देखो भाई साहब तो मैं बता रहा हूँ कि भाई कुछ भी कर लो मुझे बेचना है कि बायर ये खरीद ले सच आर जनरली अबाउट द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑफकोर्स एप्पल बेचना तो एप्पल की तारीफ़ करेगा भाई और किसी और की तारीफ थोड़ी ना करेगा एंड अबाउट देयर फिटनेस फॉर द बायर्स पर्पस ओ भाई साहब एकदम एक नंबर एप्पल है एक नंबर वो देखो आप एप्पल क्यों खिला रहे हो बताओ आप एप्पल इसलिए खिला रहे हो क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा है जी एन एप्पल अ डे कीव द डॉक्टर अवे तो भाई साहब वो एप्पल खिला के फ़ायदा ही क्या? जो आपके बच्चे के अंदर में कुछ लगे ही नहीं शरीर में लगना भी तो चाहिए ना तो ये एप्पल जो आप खिलाओगे ये एक नंबर कश्मीरी एप्पल देश का एप्पल और भाई साहब विश्वास करो ये एप्पल मैं अपने बच्चे को खिला रहा हूँ आज तक दस साल में मुझे डॉक्टर के जाना नहीं पड़ा एक नंबर एप्पल है जी एक नंबर मैं तो बोलता हूँ इतनी अच्छी क्वालिटी है कि क्या बताऊँ मैं तो खुद कश्मीर से मैं गया था देखने कौन से पेड़ पे लग रहा है मैं एकदम तो मार्किंग करके आया भाई साहब ये देखिए फोटो एक नंबर एप्पल है मैं तो ये भी कहता हूँ कि कोई लेबोरेटरी में टेस्टिंग होता है, तो मैं अपने एप्पल का टेस्टिंग भी करा लूँ जी एक नंबर एप्पल है जी आप एकदम आंख बंद करके ले जाओ और भाभी जी को अगर पसंद नहीं आया ना जी आप मुझसे मेरे मुंह पे मारना भाई साहब ये एप्पल कोई दिक्कत नहीं आप ले कर तो जाओ एक बार आप देखो आज सिर्फ दस किलो लेकर जाओ कल अगर आप बीस किलो नहीं लेकर आए ना तो मुझे बताइएगा पड़ोसियों को ज़रूर खिलाइएगा भाई साहब ये एक किलो भाई साहब मैं दे रहा हूँ आपको फ्री में भाई साहब पड़ोसी को खिलाइएगा आपके पड़ोस वाले भी अगर कल मुझसे नहीं आए ना एप्पल खरीदने तो मेरा नाम भी शमशेर खान ने तो ठीक है जी तो ये एप्पल बेचना था भाई बेच दिया तो बेचते समय हमने क्या कहा हमने कहा नेचर अबाउट नेचर एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स अबाउट द फिटनेस फॉर बायर्स पर्पज कि ये आपके पर्पस पे एकदम फिट बैठता है बच्चे एकदम तंदुरुस्त होंगे आपका परपस बैठता है जी ले जाओ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने लिखा न, है ना अंडरलाइन किया फिटनेस फिटनेस फॉर बायर्स परपस अगर इसको एप्पल के दुकान नहीं करके अगर कर, मैं जिम का दुकान कर लूँ अब जिम में किसी को एब्स के लिए कुछ मशीन चाहिए और मैंने कुछ ऐसा मशीन दे दिया जो ऐप बनना ही नहीं है उसका क्योंकि मेरे पास ऐप बनाने का तो था ही नहीं मैंने कुछ और दे दिया तो क्या मैंने सही काम किया क्या उसके काम में आना है ही वॉज वॉन्टिंग समथिंग आई हिम समथिंग ये सब चर्चा भी अपने आगे करेंगे ठीक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है धीरे धीरे समझना है अब देखो जब ये इतना स्टेटमेंट एप्पल वाले ने किया दी स्टेटमेंट्स और डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहने को बहुत कुछ कह डाला ठीक है बट जब कॉन्ट्रैक्ट बनाने की बात आई कि सामने वाले ने कहा ठीक है अगर तुम्हारा एप्पल ऐसा रहा है छोटा रहा इस साइज़ का जैसे उस समय तो बोला अरे मेरा सारा एप्पल इस साइज़ के अब वो मेरे से लिखा पढ़ी कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा कि अगर कोई भी एप्पल इस साइज़ के नीचे रहा तो तुमसे मैं डबल पेनल्टी लूँगा या मैं ऐसा करूँगा या मैं रिटर्न कर दूँगा तब मुझे थोड़ा सा सोच समझ के बोलना होगा बोलते समय तो भैया मैं एक पेटी बड़ा एप्पल दिखा के ओ भाई साहब आंख बंद करके ले जाओ आंख बंद करके ले जाओ भाई क्यों आंख बंद करके ले जाओ चेक करके लेके जाना मेरे को तो बहुत सारे बातें जो हम करते हैं वो ऐसे ही हवा में कर देते हैं हवा में ओ भाई साहब मैंने तो कहानी था जी आप भी यार कमाल का बात करते हो मैं कैसे कह सकता हूँ अब देखो मैंने उस समय कह डाला कि मेरे सारे के सारे एप्पल इस साइज के मिलेंगे इससे छोटा एप्पल होगा मेरे मुंह पे मार रहा आके अब नेक्स्ट डे जब वो मेरे मुंह पे मारने आ रहा है ना भाई साहब आप कैसी बातें करते हो बताओ वो जी एप्पल तो पेड़ में उगता है जी मशीन की थोड़ी ना है जी अभी तो पेड़ की मर्जी है जी कोई एप्पल पेड़ की मर्जी थी जी कोई एप्पल बड़ा हुआ कोई एप्पल छोटा हुआ भाई साहब आपके भी चार बच्चे हैं अब बताइए सबका हाइट क्या बराबर है कमाल कर देता भाई आप सब तो देखो कहाँ कहाँ से बात को घुमाया जा रहा है बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सा है ये जो तूने कहा अपनी बात से पीछे ना हटियो भाई ये सी साइज का एप्पल चाहिए इसके छोटे एप्पल मैं तेरे को डबल दाम में रिटर्न दूंगा मतलब यू हैव टू पे मी डबल द प्राइस अब ये हिस्सा बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन रहा है अब मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे पूरा का पूरा जितना एप्पल है मुझे साइज बना बना के उसके लिए अलग से पैकिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन रहा है तो बात क्या हो रहा है वेन दी स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशंस डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डू नॉट अलग बोल दिया बोल दिया यार क्या सुना मैं क्या बोला मुझे भी नहीं पता बेरे को माल बेचना था तो एक अलग बात है बट वेन दे डो नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दे आर नॉट रेलिवेंट एंड हैीगल इफेक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट भाई माल बेचने के लिए सेलर बहुत कुछ कहता है मगर उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया या नहीं बनाया ये इंपॉर्टेंट है उसकी एक एक बात को हमने पकड़ा और एक एक बात को पकड़ कर हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि देखो तुमने ऐसा ऐसा कहा है तुमने ऐसा ऐसा कहा है तुमने ऐसा ऐसा कहा है और अगर इसमें से कोई भी बात अगर गलत निकली तो मैं कैंसिल कर दूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट को इसका मतलब ये कि सेलर की रिप्रेजेंटेशन को सेलर की स्टेटमेंट को मैं पूरा बोल रहा हूँ कि भाई साहब जो आप कह रहे हो मैं विश्वास कर रहा हूँ मैं आपके विश्वास पे आपकी बातों का विश्वास पे ये खरीद रहा हूँ और इस विश्वास को मैं नोट डाउन करवा रहा हूं अब वो विश्वास अगर गलत हुआ विश्वास गलत होने का मतलब धोखा हुआ तो कोई भी लीगल सिस्टम धोखाधड़ी नहीं सिखा रहा है माल बेचने के लिए बहुत कुछ कह दिया ठीक है यार मुझे भी मालूम है उसका बात आधा झूठ है राइट बेचने के लिए बेचारा कर रहा गरीब आदमी है बोल रहा बहुत कुछ बोला ठीक है यार छोटे बड़े जो निकलेंगे दे दे यार एप्पल ठीक लग रहा है बात खत्म हुआ मगर अगर कभी भी बोली हुई बात को मैं कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त आपको लग रहा होगा कि सर अभी एक ही पेज पढ़ाए और आधा घंटा हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात अगर नहीं समझोगे तो आगे जितना भी पढ़ लो आपको लगेगा कि मैं रट रहा हूं और रटना नहीं है दोस्त तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा सेल ऑफ गुड्स का हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसका हिस्सा बनता है अगर तो ही उसका लीगल इफेक्ट हो सकता है हम उस पर चैलेंज कर सकते हैं बाद में बट वेन दीज फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन रहा है एंड द बायर रिलाईज अपॉन देम देखो भाई तुमने कहा है तुमने ऐसा कहा है और तुम्हारे इस कहने पर ही मैं ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ तुम ये कह रहे हो कि ये बहुत अच्छा मसाजर है तुम ये कह रहे हो कि इसका स्पीड बहुत अच्छा तुम ये कह रहे हो कि ये हम पेट में भी यूज़ कर सकते हैं तुम कह रहे हो और मैं रिलाई कर रहा हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्ट पर लिख भी रहा हूँ कि ये तुमने जो दिया है ये पेट में यूज़ किया जा सकता है और बाद में जब मैं उसका मैनुअल वगैरह खोल के देख रहा हूँ उसमें मैन्युफैक्चरर खुद कह रहा है कि नहीं ये पेट में यूज़ नहीं किया जा सकता है तो भैया मैंने तो यही रिलाई करके लिया था मैंने लिखवाया भी था जो मैंने खरीदा है मैंने बोला भी था कि मुझे जो पेट में जो, जो मसाजर में यूज़ कर सकता हूँ वो वाला देना तुमने वो क्वालिटी दिया जो मैन्युफैक्चरर खुद कह रहा है तुम ट्रेडर हो भाई साहब तुम्हें कुछ आईडिया ही नहीं है तुमने कहा कि ये पेट में यूज कर लो मैन्युफैक्चरर खुद कह रहा यूज नहीं कर सकते तो देखो क्या होता है रिलाइज ऑन देम एंड द बायर रिलाइज अपॉन देम दे आर रेलेवेंट एंड हैव लीगल इफेक्ट्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी बातों पे आके मैं लेकर जा रहा हूं तुम्हारी बातों पे और अगर समझ लो मैं खुद बोलूं कि भैया एक काम करो ये Panasonic का मॉडल ई सेवन जीरो जीरो सेवन है तेरे पास हाँ जी है अब क्योंकि तुम पैनासोनिक का मॉडल लेकर जा रहे हो तो पैनासोनिक का सब कुछ तुम्हें पता है मैं भैया क्यों कुछ कहूंगा क्योंकि ये ब्रांड नेम है पैनासोनिक पैनासोनिक ने सब कुछ कह डाला है राइट right? तो तुम पैनासोनिक के हिसाब से चलो तो मैं तो सिर्फ एक बेचने वाला आदमी हूँ ये सब चर्चा भी हम करेंगे बट मैं कुछ प्रोडक्ट दे रहा हूँ मैं ये बोल के दे रहा हूँ कि ये पेट में यूज कर सकते हो बाद में ये प्रूफ हो जाता है कि नहीं वो पेट में यूज़ नहीं कर सकते हो गलत बोल के मैंने दिया कुछ प्रोडक्ट कहीं पर भी कुछ गलत बोल कर मैंने बेच दिया माल तो वो धोखा है इसका मतलब क्या है जो भी रिप्रेजेंटेशन जो भी बातें सेलर करता है बायर से वो हवा में नहीं है अगर सेलर कुछ भी बोल रहा है और बायर उस बात को पकड़ लेता है कैच कर लेता है कैच और उसको कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना देता है तो सेलर की खटिया खड़ी हो सकती है राइट right? तो सेलर खुद ही बोलेगा नहीं नहीं बाबूजी एक काम करता हूं रुकिए मैं श्योर नहीं हूं मैं ये श्योर नहीं हूं कि ये मशीन वो काम करेगी क्या नहीं करेगी क्योंकि आप तो लिखवा रहे हो पेनल्टी भी लग जाएगा मैं जो एक काम करो भाई साहब मेरे जो बड़े वाले भाई साहब है ना वो अभी है नहीं यहाँ पर जी मैं आपका नंबर लिख के रखता हूँ मैं अपने बड़े भाई साहब से कन्फर्म कर लूंगा जी और फिर आपको माल दे दूंगा जी क्योंकि अब बायर इंटेलिजेंट वाला काम कर रहा है बायर कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है बायर उसके रिप्रेजेंटेशन को नोट करवा रहा है सेलर कह रहा है कि ये जो मशीन है ना जी ये 27 सेवन आर पी एम है जी ट्वेंटी सेवन हंड्रेड आर पी एम दट इज रेवल्यूशन पर मिनट राइट अब बायर क्या कह रहा है भाई तू लिख के दे कि जो मशीन तू बेच रहा है दिस इज ट्वेंटी सेवन हंड्रेड आर पी एम तू लिख के दे कॉन्ट्रैक्ट पे क्योंकि बाद में जब उस मशीन का आर पी एम मेजरमेंट होगा और वो निकलेगा 2200 rpm, तो ये धोखाधड़ी होगा मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं 2200 सौ का मशीन को तू 2700 सौ कह कहके बेच रहा है धोखा कर रहा है गलत बोल रहा है लिख कर दे दे भाई जो तू कह रहा है लिख कर दे दे रिप्रेजेंटेशन विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो रिप्रेजेंटेशन क्या था कि ये मशीन 2700 rpm की है और मैं इसको इस रिप्रेजेंटेशन को सेल का हिस्सा बनाना चाहता हूँ सेल का इन पे मैं लिखवाना चाहता हूँ कि जो मशीन तुमने दी है वो 2700 rpm की मशीन दी है तो ये रिप्रेजेंटेशन विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड अफेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट मैं ये मशीन सत्ताईस के नीचे आर का लेना ही नहीं है मुझे इस कॉल्ड अस्टिपुलेशन ये कंडीशन है ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मुझे 2700 rpm आरपीएम मिनिमम 2700 rpm आरपीएम वाला ड्रिल मशीन दो और तुमने कहा कि ये ड्रिल मशीन 2700 rpm आरपीएम का है इंपॉर्टेंट था मेरे लिए बाद में अगर वो 2200 rpm आरपीएम का निकलता है तो मैं इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता क्योंकि मेरे लिए 2700 सौ मिनिमम आरपीएम का रिक्वायरमेंट था तुमने मेरे को गलत बोलकर माल बेच दिया हाव एनी स्टिपुलेशन एवरी स्टिपुलेशन इज नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे आगे जाके पढ़ेंगे हो सकता सत्ताईस सौ आर पी इम्पोर्टेंट था मैंने कहा था पैकिंग अच्छा से करके देना पैकिंग अच्छा से करके देना क्योंकि बहुत दूर जाएगा महाराष्ट्र में माल जाएगा पैकिंग थोड़ा सा हल्का कर दिया उसने जैसा मैंने कहा था वैसा नहीं किया कंडीशन था भैया पैकिंग अच्छा करना गुड्स डैमेज हो जाएगा ये है चलो पैकिंग हल्का किया बट गुड्स डैमेज बहुत ज़्यादा कुछ वैसा नुकसान हुआ नहीं तो ये इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं है मगर सत्ताईस सौ बहुत बड़ा एक कंडीशन था पैकिंग थोड़ा सा हल्का हो गया कोई खास बात नहीं है ठीक है ये सब पढ़ रहे थे दोस्त कंडीशन एंड वारंटी सेक्शन ट्वेल्व स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल स्टिपुलेशन मतलब कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विथ रेफरेंस टू गुड्स विच आर द सब्जेक्ट देर ऑफ मे बी अ कंडीशन और अ वारंटी, मे बी अ कंडीशन, स्टिपुलेशन जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है बातचीत है ठीक है कुछ मैटर है कि ये बात पूरी होनी चाहिए तो इस इस्टिपुलेशन को हम कंडीशन भी कहते हैं और वारंटी भी कहते हैं ठीक है तो कंडीशन क्या होती है वारंटी क्या होती है कंडीशन का क्या वैल्यू है वारंटी का क्या वैल्यू है कंडीशन बड़ा भाई है या वारंटी बड़ा भाई है कौन मस्तान है कौन कितना पावरफुल है ये सब समझना है तो आइए देखते हैं अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि मुझे 2700 सौ का ड्रिल मशीन चाहिए उसके नीचे तो मुझे चाहिए ही नहीं तो ये कंडीशन है अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल ये देखो वर्ड इज एसेंशियल सो आई नीड अ ड्रिल मशीन एसेंशियल विच टू बी ऑफ 2700 सेवन हंड्रेड आर पी एम तो ये एसेंशियल बात है या इस बात को रफा दफा किया जा सकता है ये बताइए सत्ताईस सौ आर के नीचे का ड्रिल मशीन अगर आप मुझे बेच रहे हो तो नहीं जी नहीं नहीं रहे तो ये एसेंशियल है टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच राइज टू राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड आपने मेरे को मशीन दिया जिसका आर पी एम सत्ताईस सौ के नीचे है कैंसिल करता हूं मैं मेरे कोई काम का नहीं है बट मैंने सत्ताईस सौ आर पी एम का मशीन दिया पैकिंग जो है थोड़ा सा आपने कहा था डबल सेलो टेप मार के दीजिएगा दूर लेकर जाना है डबल कार्टून में आपने कहा था पैक करने के लिए सिंगल कार्टून मेरा मोटा था तो इसको लेकर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते दोस्त तो जब भी कंडीशन जो मेन कंडीशन था तो मेन एसेंशियल बात थी सत्ताईस आरपीएम वो अगर हम उस पर कुछ गलत करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है पैकिंग के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हो अच्छा भाई साहब मेरे से काट लीजिए यार मेरा थोड़ा सा सौ दो सौ रुपया करके काट लीजिए आपका नुकसान हो गया मेरे से नुकसान ले लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का अधिकार नहीं मिलता है अब वारंटी इज अ को लेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को लेटरल टू द मेन पर्पज इसका मतलब ये है दोस्त कि जब आर पी एम सौ है अब ड्रिल मशीन के साथ साथ ड्रिल बीट्स भी होती है और सब लोग कुछ घूमने वाला चक्र भी है डिस्क और भी जो आइटम्स है साथ में वो भी तो साथ में जाएंगे पैकिंग है बहुत कुछ है तो अ स्टिपुलेशन को लेटर टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो मेन पर्पस इज 2700 सौ आर उसके बाद का जो भी आइटम्स है उसके बाद की जो बातें हैं दैट इज को लेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपेड तो वारंटी आप जैसे अगर गाड़ी का एग्जाम्पल लें गाड़ी का इंजन अगर खराब हो जाए दोस्तों राइट right? पेट्रोल गाड़ी है दस किलोमीटर चलना चाहिए पर लीटर बट वो, वो वन किलोमीटर चल रहा है पर लीटर इंजन में बहुत मेजर फॉल्ट है और तो ये हो गया मेन कंडीशन कैंसिल हो सकता है बट गाड़ी का हॉर्न नहीं चल रहा हॉर्न तो हॉर्न नहीं चल रहा है तो हॉर्न को वारंटी के अंदर में कवरेज होता है नया हॉर्न लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बट हॉर्न नहीं चल रहा है ठीक से उसके लिए आप पूरा का पूरा गाड़ी वापस देना चाहते हो कंपनी को ये पॉसिबल नहीं है बट इंजन गाड़ी का खराब है बहुत ज़बरदस्त तेल खा रहा है गाड़ी कुछ ना कुछ मेजर फॉल्ट है जो कि अब ये गाड़ी का इंजन ही नहीं काम कर रहा है गाड़ी चल ही नहीं रहा है तो भी कैसे ये अब ये गाड़ी थोड़ी ना है मेजर फॉल्ट है मेजर कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है तो वो कंडीशन का ब्रीच हो गया है कंडीशन का ब्रीच होने से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है गाड़ी का हॉर्न खराब है गाड़ी का टायर ख़राब है दो थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ दे आर को लेटरल टू द मेन अग्रीमेंट तो मेन अग्रीमेंट गाड़ी का है और गाड़ी का टायर वगैरह भी गाड़ी का हिस्सा होता है गाड़ी का टायर अगर काम नहीं कर रहा है गाड़ी का टायर में कुछ प्रॉब्लम्स है हॉर्न में कुछ प्रॉब्लम है सीट बेल्ट उसमें ठीक से नहीं लग रही है तो ठीक है ये सब गाड़ी का हिस्सा है These are all collateral to the main contract. क्या होता है वारंटी है राइट टू रिजेक्ट नहीं मिलता है कंपनी के पास जाएंगे भैया आपका तो एक साल का वारंटी था हॉर्न काम नहीं कर रहा यह नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा कंपनी वाले ठीक है चिंता मत करी भाई सब कुछ फ्री में रिप्लेसमेंट कर देंगे आपको एक भी पैसा देने का दरकार नहीं है ठीक है अब हमें ऐसा समझना है कि कौन सा सिचुएशन को हम कंडीशन समझे और कौन सा सिचुएशन को हम वारंटी समझे ऐसा क्यों समझना है ये इसलिए समझना है कि अगर कोई चीज़ मेरे लिए कंडीशन है तो इसका वायलेशन से हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे और कोई चीज़ मेरे लिए वारंटी है तो ठीक है मुझे भी पता कि कैंसिल तो नहीं कर सकते बट उसका जो भी मुझे बेनिफिट या जो भी डैमेजेस क्लेम करना मैं क्लेम करूंगा तो ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टिपुलेशन है ये जो सिचुएशन है ये जो टर्म्स है ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये टर्म्स एंड कंडीशन मेरे वारंटी के अंडर में फॉल करेगा या कंडीशन के अंडर में फॉल करेगा ये ब्रीच ऑफ़ कंडीशन माना जाएगा या ब्रीच ऑफ़ वारंटी माना जाएगा ब्रीच ऑफ कंडीशन अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का अधिकार है मेरे पास ब्रीच ऑफ वारंटी है तो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं बट फिर भी ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है आपने कहा था कि आपका हॉर्न ठीक है आपने कहा था आपका टायर में कोई दिक्कत नहीं आएगा तो जो भी दिक्कतें आ रही हैं आप अपने जिम्मेदारी पे उसे ठीक करके दीजिए मुझसे पैसे मांगेगा मत और यस होता भी है अपने को पता है कि जब भी अपने गाड़ी खरीदते हैं अगर कुछ वैसा प्रॉब्लम आ गया कंपनी इसको ठीक करके देती है वेदर स्टिपुलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज़ अ कंडीशन और वारंटी अब ये कंडीशन है या वारंटी है ये किसके ऊपर डिपेंड होगा एक बात बताओ बायर जब चीज़ खरीदता है तो बायर सेलर से कहता है ना कि भाई जो मुझे गाड़ी चाहिए ना मुझे इतना ये ये कंडीशन का गाड़ी चाहिए अगर वो अपना बात बता रहा है कि मुझे ये ये मेरा रिक्वायरमेंट्स है ठीक है तो वो कंडीशन बायर अपना कंडीशन ख़ुद बता रहा है कि भाई देखो मेरे को जो गाड़ी चाहिए उसका टॉर्क वैल्यू ये होना चाहिए उसका ये ऐसा होना चाहिए उसका इंजन डिस्प्लेसमेंट इतना होना चाहिए इंजन का कैपेसिटी इतना होना चाहिए अब अगर कोई बायर बता रहा है कि मेरे को 1400 सीसी का गाड़ी चाहिए अब उसको उसने बेच दिया नैनो जो कि मेरे ख्याल से शायद हज़ार के भी नीचे सीसी का गाड़ी है अब जो भी है तो मेन कंडीशन जो बायर का था वो कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ तो कौन सा कंडीशन मानेंगे कौन सा वारंटी मानेंगे किसके ऊपर डिपेंड है दैट डिपेंड्स इन ईच केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्या चाहिए था मैं क्या मांगा आपने क्या दिया अस्टिपुलेशन मे बी कंडीशन अस्टिपुलेशन मे बी अ कंडीशन दो कॉल्ड अ वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि हमने लास्ट लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी का डिस्कशन याद करिए आप जज को गुमराह करने के लिए लिख रहे हो लिक्विडेटेड डैमेजेस बट मांग रहे हो पेनल्टी ठीक है तो स्टिपुलेशन मे बी ए कंडीशन दो कॉल्ड अ वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखो बट अगर ये मेन चीज है मेरे लिए तो ये अगर वायलेट हो रहा है तो ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मैं कैंसिल कर दूंगा एग्जाम्पल देखिए राम कंसल्ट शाम अ मोटर डीलर फॉर अ कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पसेस तो पर्पस बता दिया राम ने कि मुझे जो गाड़ी चाहिए वो टूरिंग पर्पस के लिए चाहिए टू प्रमोट द सेल ऑफ इस प्रोडक्ट शाम सजेस्ट मारुति एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज इट फ्रॉम शाम द कार टर्नस आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग परपज य टर्म दैट द कार शुड बी सूटेबल फॉर टूरिंग परपजिस क्योंकि ये मेन कंडीशन है बायर पहले ही बता दे रहा है कि मुझे जो गाड़ी मैं तुमसे लूँगा मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे टूरिंग पर्पस में वो सूटेबल होना चाहिए इज अ कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो बायर का कंडीशन को हमेशा रिस्पेक्ट करना होगा सेलर को क्योंकि तो बायर सेलर के पास जा रहा है अपना पैसा देना चाह रहा है वो क्या खरीदना चाह रहा है बता रहा है पहले से अगर भाई साहब तुम्हारे पास वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है धोखा तो मत दो यार धोखा मत दो बोल दो कि मेरे पास नहीं है उसने विश्वास किया तुम्हारे ऊपर कि भाई देखो मेरे को ऐसा गाड़ी चाहिए जो मेरा इस तुम्हारे पास नहीं था तुम्हें पता था फिर भी तुमने बेच डाला, गलत बात है वेरी पर्पज फॉर विच राम परचेज द कार कितना सही बात है मैंने गाड़ी शहर में घूमने के लिए तो नहीं ली थी मैंने गाड़ी जिस पर्पज के लिए लिया था मैंने तुम्हें बताया था ठीक है सो इट इज इस इसपज के लिए चाहिए राम इज देयर फॉर एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द कार एंड हैव रिफंड ऑफ द प्राइस कहने का मतलब यह है कि ये पर्पस जो टूरिंग पर्पस था इंपॉर्टेंट था कंडीशन था लेटस अज्यूम राम बाइज अ न्यू मारुति कार फ्रॉम द शोरूम एंड द कार इज गारंटीड अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अंडर नॉर्मल यूसेज फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल पर्पज परचेज एंड इन द इवेंट ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट There is a warranty for replacement of defective part if it cannot be properly repaired. After six months, Ram finds that the horn of the car is not working. Here, in this case, he cannot terminate the contract. The manufacturer can either get it repaired or replace it with new horn. Ram gets a right to claim for damages, if any, suffered by him, but not the right of. रेपूडिएशन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता है तो चलो ये बात तो समझ में आ गया ऊपर वाले केस में जब राम ने कंडीशन पहले से ही बता रखा था कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है उस कंडीशन को ही जब तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं बनता है इस गाड़ी को ख़रीदने का मेरे लिए कोई मीनिंग नहीं है मीनिंगस काम हो गया तो ये मैं कैंसिल करने का अधिकार मेरे पास है अब अपने को दो समझना है कंडीशन एंड वारंटीज के बीच में क्या फर्क है अ कंडीशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जैसे राम ने कहा था मेरा मेन कंडीशन है ये गाड़ी मेरे टूरिंग के काम पे आना चाहिए अगर मेरे पास कोई वैसा गाड़ी नहीं है जो टूरिंग के काम पे नहीं आ रहा तो मुझे मना कर देना चाहिए वारंटी क्या इट इज ओनली कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट राइट क्या मिलता है इस केस में कंडीशन अगर वायलेट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट को हम रेप्यूडिएट कर देंगे और क्लेम डैमेजेस और बोथ इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन यहां पर क्या होगा कैन क्लेम ओनली डैमेजेस इन केस ऑफ दिस ब्रीच कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी इसका मतलब क्या है मेरे पास अधिकार तो है कैंसिल करने का बट चल तू भी क्या याद रखेगा कैंसिल नहीं कर रहा हूँ सिर्फ डैमेज मांग रहा हूँ जो मेरा नुकसान हुआ है वो डैमेज पूरा कर दे तो बेसिकली डैमेज कब मांगते हैं वारंटी के केस में डैमेज मांगते हैं कंडीशनस के ब्रीच में तो सीधा का सीधा कैंसिल हो जाता है बट जा तू भी क्या याद रखेगा कैंसिल नहीं कर रहा हूँ तो कैंसिल नहीं कर रहा हूँ तो इट कैन बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी चल कंडीशनल ब्रीच हुआ है गलत हुआ है बट फिर भी चलो कैंसिल नहीं कर रहा हूँ जो मेरा नुकसान हुआ वो दे। तो दे दे अब ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन तो वारंटी कभी भी कंडीशन में नहीं आ सकता अब हॉर्न नहीं काम कर रहा है राइट right? तो उसके मैं कैंसिल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को इतना पावर नहीं है अब बताओ भैया वैन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी ये तो मेरा इच्छा है दोस्त अगर समझा जाए कि मेरे पास अधिकार है सिंपल सी बात है अधिकार मेरे पास है मैं चाहूं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं ये अधिकार मेरे पास है तो मैं जब चाहूं, मुझे लग रहा है चलो कोई बात नहीं यार कैंसिल नहीं करते नुकसान जो हुआ वही ले लेते हैं कैंसिल नहीं करते हैं आइए देखते हैं वेर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाई द सेलर बायर ने अपना कंडीशन बता दिया था कंडीशन फुलफिल कौन करेगा ये जिम्मेदारी सेलर की है द बायर मई मे वेव द कंडीशन अब मैंने चार पाँच कंडीशन दिया था भाई अब वो सेलर पूरा कर ही नहीं पा रहा तो मैं चल यार कोई बात नहीं यार इस कंडीशन को मैं हटा देता हूँ तो मैंने एक कंडीशन को हटा दिया क्योंकि ये तो मेरे हाथ में है. और इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ द कंडीशन एज द ब्रीच ऑफ वारंटी। चल भाई कोई बात नहीं यार ये कंडीशन पूरा नहीं भी होता है तो चल मैं कैंसिल नहीं करूंगा मैं डैमेज में मान जाऊंगा ठीक है तेरे को इस बात का डर है ना तेरे को डर है कि भाई देखो अब मैं बोल रहा हूँ देखो भैया अगर टायर्स पंक्चर हो गए पांच बार अगर मेरा टायर पंक्चर हुआ तो मैं गाड़ी को कैंसिल कर दूंगा यार ये कहा कौन सा बात हो यार अब मैं समझा रहा हूँ अरे भाई साहब यार गाड़ी रास्ता कैसे तुम क्या बात कर रहे हो यार ये कौन सा कंडीशन हो यार ठीक है मैं सेलर हूँ मुझे गाड़ी बेचना है यार अब तेरा टायर कहाँ पांच बार पंचर हुआ चार बार हुआ मैं कहाँ से रिकॉर्ड देखूंगा नहीं तू ही तो कह रहा है माय टायर सो गुड इट विल वर्क वेरी गुड ऑन द इंडियन रोड्स एंड दिस विल नॉट गेट पंचर तुम्हें तो स्टेटिस्टिक्स दिखा रहे हो कंपेयर टू दायर माई टायर इज नॉट गेटिंग पंचर्ड इन 99% नाइन परसेंट ऑफ द केसेस तुम्ही तो इतना कुछ बखान कर रहे थे भाई तो चल अब तू कह रहा कि साल भर में तू बोला देखो मैंने हज़ार गाड़ी बेच दी अभी तक कोई पंचर का कोई रिपोर्ट नहीं है ये है वो है तो चल भाई मैं तो पांच बार का दे रहा हूँ अब वो बेचारा सेलर थोड़ा सा घबरा गया बोला भाई इसको मैं कैसे कंडीशन मान लूँ क्या पता वो खुद ही पंक्चर कर ले तो भई वो तो कैंसिल हो जाएगा पंक्चर वाली बात भाई देखिए भाई मैं इस बात को नहीं मानता ये देख लीजिए मैं ये नहीं मान पाऊंगा ये मैं नहीं कर पाऊंगा तो चलो हो सकता है बायर ने खुद ही कह दिया चल भाई वो पंक्चर वाली जो बात थी ना चल मैं हटाया चल कोई बात नहीं फिर भी कैंसिल नहीं करूंगा बट चूँ तू कह रहा है कि मेरी टायर पंचर नहीं होती है भाई अगर पंचर होगी तो हजार हजार रुपया मतलब चल रुपये नहीं तो नया टायर देगा चल ओके जी डन नया टायर दूंगा कम से कम पूरा का पूरा गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं हुआ ना कभी कभी ऐसा होता है भाई बहुत महंगी महंगी गाड़ी होती है राइट रेंज रोवर ये सब जो गाड़ी है ना ये सब पचास पचास लाख रुपए की गाड़ी है तो यहाँ पर क्या चलो यार पंद्रह बीस हजार का टायर रिप्लेस भी करना पड़े तो कंपनी टायर रिप्लेस कर देती है एकदम नया टायर लगा देती है बट पचास लाख का गाड़ी पूरा रिप्लेस होगा तो भैया कंपनी कहाँ से चलेगी तो बायर के पास है वो पावर द बायर में वेव वेव मतलब चलो मैंने कैंसिल किया मे वेव द कंडीशन और इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ द कंडीशन एज द ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज अ ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड चलो तुम भी क्या याद रखोगे टायर अगर पंचर भी हो गया या टायर खराब भी हो गया तो टायर के कारण मैं इस गाड़ी को कैंसिल नहीं करूंगा बट तुम्हें टायर नया देना होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल सेवरेबल मतलब उसको हम अलग अलग कर सकते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वॉरटी एंड नॉट एज अ ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द गुड्स And treating the contract as repudiated unless there is a term of the contract express or implied to that effect. Nothing in this section shall affect the case of any condition or warranty fulfillment in which of which is excused by law by reason of impossibility of or otherwise. जब तो इम्पॉसिबल है तो तो अपने को तो पता ही है नथिंग इन दिस सेक्शन सेल इफेक्ट द केस ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी फुलफिलमेंट और विच इज एक्सक्यूज बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अदरवाइज अब अगर कोई चीज इम्पॉसिबल हो जाए तब तो भैया कोई उपाय नहीं है एनालिसिस देखते हैं दोस्त सेक्शन थर्टीन स्पेसिफाइज केसेस वेर ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी यही बात हो रहा है कि कंडीशन का ब्रीच अगर है तो मैं उसे ब्रीच ऑफ वारंटी मानू वेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी सेक्शन थर्टीन ठीक है एज अ रिजल्ट ऑफ विच अब एक बात बताओ मेरा कंडीशन था ये और मैं कंडीशन को वारंटी की तरह मानूंगा तो नुकसान किसका है दोस्त कंडीशन ब्रीच होने से मेरे पास अधिकार है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल मैंने अगर दो बीस लाख रुपए दे रखा है मेरे को बीस लाख वापस मिल जाएगा तू भैया अपना गुड्स वापस ले ले कितना बड़ा पावर है बायर के पास कि कंडीशन ब्रीच हो रहा है और बायर बोलेगा कि चल इस कंडीशन को मैं वारंटी के तरह ट्रीट कर लू मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूं तो देखो नुकसान किसका हो रहा है नुकसान बायर का है तो सेक्शन थर्टीन स्पेसिफाइज केसेस वेर अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी तो इस पहले इस बात को समझो कि बायर क्या इतना मूर्ख हो सकता है कि जिस सिचुएशन पे वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहिए उसे वो सिर्फ लॉलीपॉप से मान जाए थोड़ा सा डैमेज से मान जाए बट ऐसा होता है तो कब होता है कैसे होता है आइए समझते हैं तो सेक्शन थर्टीन बता रही है हमें ऐसा सिचुएशन जहां कंडीशन का ब्रीच हो रहा और कंडीशन को मैं वारंटी की तरह ट्रीट करूं मतलब मैं कैंसिल नहीं करूं और मैं सिर्फ डैमेज लेके मान जाऊं कितना सही बात है टू रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का अधिकार खो रहा हूं एंड कैन क्लेम फॉर डैमेजेस ओनली मतलब लॉलीपॉप लेकर बैठ जाऊं मैं बेवकूफ कौन सा सिचुएशन ऐसा कौन सा सिचुएशन आइए देखते हैं ऐसा कौन सा सिचुएशन जहां बायर बेवकूफ बनेगा इन द फॉलोइंग केसेस अ कॉन्ट्रैक्ट इज इज नॉट अवॉयडेड इवन ऑन अकाउंट ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन इज नॉट अवॉयडेड भैया मेरे पास पूरा अधिकार है मेरे पास पूरा पावर है कंडीशन का ब्रीच हो गया और फिर भी फिर भी मैं कैंसिल नहीं करूंगा ये कैसा बात है यार मेरे तो नहीं समझ में आ रहा है फिर भी मैं कैंसिल नहीं करूंगा क्यों नहीं करूंगा मैं कैंसिल मैं क्यों थोड़ा सा डैमेज या थोड़ा सा लॉलीपॉप लेकर मैं क्यों मान जाऊं ये मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है वजह क्या हो सकता है क्या वजह हो सकता है वेर द बायर ऑल टूगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन अब बायर ने खुद ही अगर अपने हाथ कटवा लिए हैं भाई साहब तो इसमें फिर क्या करेगा जब बायर ने ऑल टुगेदर वेव ही कर डाला परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन कि चल ये कंडीशन अगर तू नहीं भी परफॉर्म करेगा तो कोई बात नहीं अरे भैया कोई बात नहीं जब तुमने कह दिया तो तूने अपना अधिकार तो खुद ही छोड़ दिया तो फिर भैया कहां से कैंसिल करेगा अब पार्टी में फॉर इज ओन बेनिफिट वेव स्टिपुलेशन अब इसमें भी उसका फायदा हो रहा है पता नहीं कैसे फायदा हो रहा है कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर होगा कैंसिल नहीं करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब यह है कि भैया कैंसिल करने से बड़ा नुकसान हो जाएगा कैंसिल करने से बायर का और भी बड़ा नुकसान हो जाएगा मतलब यह है कि बायर कंडीशंस का जो वायलेशन किया है सेलर ने बायर के पास अधिकार है कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट को फिर भी बायर अपने फायदा के लिए कैंसिल नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है दोस्त कि कैंसिल करने से लेट से अगर 20 लाख का नुकसान हो रहा है या 20 लाख का फायदा हो रहा है तो कैंसिल नहीं करने से 25 लाख का फायदा हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा तो 20 लाख रुपया आएगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगा जो कि मेरा अधिकार है तो 25 लाख आएगा कहीं ना कहीं माल जो मैंने आगे बेच रखा है आगे जो मैंने माल बेच रखा है उस सिचुएशन पे वो बंदा ख़रीदने के लिए तैयार है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये तो ट्रेड हो रहा है मैंने किसी से लिया मुझे किसी और को देना है मेरा जो कंडीशन था वो वायलेट हुआ है बट जब मैं माल बेच रहा हूं मैंने तो ये कंडीशन रखा ही नहीं बायर ने भी ये कंडीशन रखा नहीं जिससे मैं माल बेच रहा हूं समझाने के लिए ए बी एन सी ए बी को माल बेच रहा है तो ए है सेलर बी है बायर बी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ए ने ब्रीच कर दिया तो बी चलो समझ लो ए और बी बीस लाख में कोई सौदा हो रहा है कुछ गुड्स खरीद रहे हैं बी ने इसी को तीस लाख रुपए में सामने वाले को बेच दिया है ये जो गुड्स ए से मिलेगा और जो कंडीशन ए ने वाइलेट की है, सिमिलर कंडीशन अगर सी ने भी बी से रखा होता तब तो भैया दिक्कत हो जाता बट सी ने ऐसा कोई कंडीशन रखा ही नहीं ठीक है तो बी को तो कोई दिक्कत नहीं है उसे माल सी को बेचने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कोई परेशानी नहीं आने वाली वो आराम से भले ही ए ने गलत किया है लेट से कुछ एक क्वालिटी था एक क्वालिटी लेट्स कुछ भी क्वालिटी का बात कर ले अगर एक क्वालिटी होता है अगर लेट से एक क्वालिटी का थिकनेस का बात कर लें लेट से ट्वेंटी टू पक्का ट्वेंटी टू इंचज का बात हुआ था ये जो फिनिश प्रोडक्ट आप दोगे 22 इंच में दोगे ए ने जो बी को फिनिश प्रोडक्ट दिया वो निकला 21 इंच का कुछ लोहा का पट्टी बनाया था बात हुआ था 22 इंच का ए के फैक्ट्री में कुछ गलती हो गया उसने बी को 21 इंच का प्रोडक्ट दिया है बी अगर चाहे तो ये 21 इंच का प्रोडक्ट जिसका बिलिंग 20 लाख रुपए का हो रहा था ये पूरा का पूरा कैंसिल कर सकता है अगर बी चाहे तो बट बी ने सी को जो माल बेचा है किस्मत से ये समझ लो कि सी को इसने कहा है कि भाई बीस इंच से लेकर इक्कीस इंच का प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट आएगा तो ये इक्कीस इंच आराम से ये सी को आराम से बेच सकता है और ये तीस लाख रुपया में बेचेगा तो बीस में खरीदा तीस में ऑर्डर सी को ये आराम से बेच सकता है और यहां क्या करेगा ए को कहेगा देखो भैया ए मैं चाहूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूं क्योंकि तो 22 इंच का बात हुआ था फिनिश प्रोडक्ट 22 इंच का नहीं है अब ए पैर पे गिर जा रहा है बी के ए बोल रहा भाई साहब बहुत बड़ी भूल हो गई अगर आप इस प्रोडक्ट को कैंसिल कर दोगे ये ऑर्डर मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया था मैं बर्बाद हो जाऊंगा मैं कहां जाऊंगा तो ठीक है भाई साहब मेरा कॉस्टिंग है पंद्रह लाख रुपया का मैं आपसे पांच लाख रुपया मुनाफा कर रहा था इसमें आप एक काम करो मैं और नुकसान लूंगा आप मेरे को दस लाख दे देना भाई साहब बट इस प्रोडक्ट अब ये बी जान मुझ के करा नहीं मेरे तो कोई काम का ही नहीं है भाई इक्कीस इंच का प्रोडक्ट मेरे काम का ही नहीं है भाई मेरे जीरो वर्थ मेरे तो कोई काम का है ही नहीं मैं कैसे ले लू मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि बाईस इंच का चाहिए ये 21 इंच मेरे लिए तो जीरो है भैया एकदम स्क्रैप है एकदम, एकदम रद्दी है भाई रद्दी पता है ऐसा रद्दी रद्दी करके पांच लाख रुपया में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया उसने बीस लाख का माल पांच में खरीदा और उसे तीस लाख में बेच डाला इसे कैंसिल करता तो कोई फायदा नहीं होता वो अपना फायदा देख रहा है कि चलो बीस लाख का परचेस प्राइस था मैं डैमेज क्लेम कर करके और पांच दस लाख इससे और कम करवा लिया प्राइस को और सामने वाले को तीस लाख में मैं बेच के रखा हूं अब आया बात समझ में कि बायर का जो अधिकार था कि कंडीशन का ब्रीच हुआ है बायर के पास अधिकार है कि वो कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट को फिर भी बायर ने कैंसिल नहीं किया अब देखो क्या लिखा हुआ है कलर चेंज करता हूं मैं